हे गाइस, वेलकम टू इंडियन फूडीज। मैं नेहा मिश्रा इंडियन फूडीज में आपका स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले हैप्पी दिवाली आप सबको। और इस दिवाली के अवसर पे हम लोग घर में कुछ नया बनाते हैं, तो आज मैं बनाने वाली हूँ काजू मसाला। काजू तो मसाला काजू बनाते हैं। और सबसे पहले इंग्रेडिएंट मैं आपको बता देती हूँ। मैंने एक कटोरी मैदा लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा अजवाइन डाली हूँ, थोड़ा सा मंगरेल, बहुत कम क्वांटिटी में डालिएगा। और इसके बाद से हम बेकिंग पाउडर डालेंगे, आधा टेबल स्पून, आधा। आधा टेबल स्पून बेकिंग सोडा डालते हैं, एक चुटकी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना कि अच्छे से ये पूरी तरह से फूल जाए और स्वाद इसका क्रंची आएगा। साथ में हम वाइट नमक ऐड करेंगे इसमें। इसके बाद से हम इसमें ऑयल डालेंगे, आप देसी घी भी डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो वो डालिए। तो ये मैं 3 चम्मच तेल ऐड करती हूँ खाने वाला। अब हम इसको मिक्स कर देंगे, इससे हमारे जो मैदे हैं वो क्रंची और कुरकुरे नमकीन तैयार होंगे। अब मैं इसको वार्म वाटर से सान लेती हूँ और इसका डो तैयार करती हूँ। डो मेरे रेडी हो चुके हैं और ये सॉफ्ट भी हैं। तो अब मैं इनको निकाल के थोड़ा सा मल देती हूँ, अच्छी तरह से हाथों से नीड कर लेती हूँ। तो अब हम इसे बेल लेते हैं। तो आप भी इस तरह से बेल लीजिएगा एक साथ। तो ये देखिए, मैंने इसको बेल लिया है। आपको नहीं समझ में आएगा अगर, तो आप थाली के पीछे भी रख के बेल सकते हैं, इजली वे में लिया है अच्छी तरह से। अब इसके बाद से नोजल टिप से मैं कट कर लेती हूँ काजू के आकार में। ये पाइपिंग बैग का है, और आपके पास अगर वो भी ना अवेलेबल हो तो आप देखिए, दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए काजू का आकार, इस तरह से हम कटिंग करते जाएंगे। तो चलिए काटते हैं। एक काजू की जो मेरी कतली टाइप में है वो तैयार है, और देखने में काजू एक बड़ा बनाया है, एक छोटा बनाया है। भाई मेहनत तो ज़्यादा है इसको बनाने में, कटिंग करने में, लेकिन खाने